तो दोस्तों अब देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं, सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। वियर आउट सिचुएशन दोस्तों क्या होती है, हम हार्डवेयर में देखते हैं। एक ना हार्डवेयर का मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ, उसको बोलते हैं बाथटब ग्राफ। एक हार्डवेयर का ना ग्राफ होता है, बाथटब ग्राफ। ओके, ये होता है बाथटब ग्राफ। इसमें ना तीन फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है बिल्ट इन फेज। बिल्ट इन फेज कौन सा होता है? बिल्ड इन फेज। ओके, दूसरा होता है हमारा लाइफ फेज, लाइफ फेज। और तीसरा होता है हमारा वियर आउट फेज। क्या होता है? वियर आउट फेज। तो ये तीन होते हैं हमारे फेजेस। ओके, बिल्ड इन, लाइफ फेज और वियर आउट फेज। ओके, पहले क्या होता है कि हम, और यहाँ पे होता है हमारा फेलियर इंटेंसिटी, फेलियर इंटेंसिटी, और एक होता है हमारा टाइम। तो समय के साथ क्या होती है, पहले हमारी फेलियर इंटेंसिटी कम होती रहती है। क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से टेस्टिंग करके सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करते हैं, विद होल टेस्टिंग और सारी की सारी टेस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो फेलियर इंटेंसिटी उस टाइम पे कम होती है। उसके बाद थोड़े और समय बाद क्या होती है, ये जो चीज़ होती है ना कांस्टेंट होती है, लाइफ ऑफ अ फेस, मतलब इट विल फॉलो एट अ कांस्टेंट, स्टेबलाइज हो जाती है इसकी जो वो होती है लाइफ साइकिल। ओके, और अगेन वियर आउट फेज होता है हमारा, आप देखते होंगे जो हमारा 5 साल पहले प्रोडक्ट था, कुछ समय बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, वियर आउट स्टेट, काम करना बंद कर देना ड्यू टू यू नो टेक्नोलॉजी एज वेल एज चेंजेस। कुछ ऐसा हर बार नहीं होता वियर आउट स्टेट, कुछ ऐसी भी होती हैं पुरानी चीज़ें जो अभी तक चल रही होती हैं। ओके, दे डजेंट वियर आउट। ठीक है, कुछ चीज़ों कभी कभार क्या होता है, हमारा वियर आउट स्टेट अचीव हो जाता है। अगर वो चल रही हैं आपकी पुरानी चीज़ें तो इट इज़ इन लाइफ फेज स्टेट। ओके, अगर वो काम करनी बंद कर देती हैं ड्यू टू सम, जैसे परेशानी आ जाती है, इसका हैंडल टूट गया, इसका ये हो गया, तो ये हार्डवेयर कॉम्पोनेंट है ना, तो हार्डवेयर के लिए ये वियर आउट स्टेट होती है हमारी। ठीक है, तो ये तो था हमारा हार्डवेयर का कंसेप्ट। लेकिन सॉफ्टवेयर पे आते हैं दोस्तों, हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट। सॉफ्टवेयर वियर आउट नहीं होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर बिकम्स रिलायबल ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ वियरिंग आउट। ठीक है, सॉफ्टवेयर टूटता थोड़ी ना है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल आइडेंटिटी, इट इज़ सॉफ्टवेयर। और समय के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, तो हम सॉफ्टवेयर को भी क्या करते हैं, उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, इट डज नॉट वियर आउट। सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर को एज अ वो थोड़ी ना लेते हैं, फिजिकल एंटिटी थोड़ी ना है, एज अ फिजिकल एंटिटी थोड़ी ना है। तो क्या होता है यहाँ पे, इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन क्लासिक सेंस। जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल फ़ोन को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है A to Z। ठीक है, उसका कैमरा, उसका टच, उसके बटन्स अगर उसमें हैं तो। ठीक है, तो उन सब चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है, उसको हम असेंबल करके बेचते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन क्लासिक सेंस। मेकिंग 1000 कॉपीज इज नॉट एन इशू एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट। मतलब अगर हमने एक सॉफ्टवेयर की, जैसे एक मैं एक सॉफ्टवेयर लेता हूँ, मैंने बैंक अकाउंट का सॉफ्टवेयर लिया, अब मुझे उसको बहुत सारे बैंक्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, बहुत सारे बैंकों को देना है मेरे को, जैसे 5 बैंक को एक ही जैसा सॉफ्टवेयर देना है, तो मैं क्या करूँगा उसमें, तो मैं क्या करूँगा, 4 बैंक्स को वो एक सिंगल पहले एक कॉपी बनाऊंगा। जैसे एक बैंक अकाउंट सिस्टम है, मुझे एक कॉपी चाहिए, और फिर मैं उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे हम करते हैं ना प्रोग्राम्स में जैसे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जैसे वर्ड फाइल होती है या फिर पैराग्राफ होता है, हम सब करते हैं, कॉपी करा पेस्ट कर दिया। ठीक है, और तो इन दैट सेंस
इन दैट सेंस हम क्या कर रहे हैं अब, कॉपी पेस्ट करना इट्स नॉट एन इशू, कंट्रोल सी कंट्रोल वी को यूज़ करके हम एक सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम को भी हम ऐसे करते हैं, प्रैक्टिकल्स में आपने देखा होगा ना, हम करते हैं सब प्रैक्टिकल्स में, इंटरनेट खोला कॉपी पेस्ट करा रिजल्ट आ गया, वाओ। सो इट इज़ इन दैट सेंस, ओके, कॉपी करा पेस्ट करा, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। और एज इन केस ऑफ हार्डवेयर प्रोडक्ट, एवरी प्रोडक्ट कॉस्ट एज ड्यू टू रॉ मटेरियल्स एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वही मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि हमारा जो एक फ़ोन को यूज़ करने के लिए हमारे को कैमरा लगता है, फ़ोन बटन्स लगते हैं, ठीक है, टच स्क्रीन, उसके जो डिस्प्लेज हैं, ये सारे रॉ मटेरियल्स हम असेंबल करके इंटीग्रेट करके बेचते हैं, तो इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड। रीयूजिबिलिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम रीयूजिबिलिटी का कंसेप्ट बहुत यूज़ करते हैं। देखो, इन सॉफ्टवेयर एवरी प्रोजेक्ट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट, वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड डिज़ाइन एवरी यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट विच विल इंक्रीज द कॉस्ट। क्या होता है अगर हम स्क्रैच के साथ स्टार्ट करें हर एक चीज़, ठीक है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, ठीक है, इट विल बी डिफ़िकल्ट। अगर हमार को एक एप्लीकेशन जैसे बनाना है एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, तो हम ये नहीं है कि उसको पहले पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे उसके बाद उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है पहले से, हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रीयूज करके उसके एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो? तो हैंस डेवलपर्स आर कॉन्सेंट्रेट ऑन ट्रूली इनोवेटिव एलिमेंट एन एप्लीकेशन एज एन इनोवेटिव एलिमेंट। एक एप्लीकेशन जो हम बनाते हैं वो एक इनोवेटिव एलिमेंट है। हम ये थोड़ी ना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे एंड्रॉयड का, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए, नहीं ना, हम उसको रीयूज़ करेंगे। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एंड्रॉयड को रीयूज़ करके उसका जो एप्लीकेशन है उसको बनाएंगे, तो इट इज़ नोन एज सो हम इसको क्या बोलेंगे, रीयूजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोनेंट्स, हमने रीयूजिबल किया है। एग्जाम्पल, जी ओ आई आर बिल्ड यूजिंग रीयूजेबल कॉम्पोनेंट्स दैट एनेबल द क्रिएशन ऑफ ग्राफिक विंडोज, ठीक है, आप ये भी ले सकते हो और मैंने जो भी बताया वो भी ले सकते हो। चौथा आता है हमारा, सॉफ्टवेयर इज फ्लेक्सिबल। यार ये सॉफ्टवेयर ना बहुत फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, जैसे आपका एक फ़ोन, आपका सपोज कि एक फ़ोन आपका एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कॉलिंग की, ठीक है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है ये गेम्स भी खिलवा सकता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते, कैमरा में फोटो एडिटिंग भी कर सकता है। सो इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ यूज इन मैनी एप्लीकेशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र इंटरफेसेस, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, प्रोग्राम कैन बी बिल्ट टू डू एनी थिंग, अभी जो मैंने आपको बताया, इट कैन बी डू एनी थिंग, इट इज़ हेल्पफुल टू एकोमोडेट एनी काइंड ऑफ चेंज, ठीक है, एनी काइंड ऑफ चेंज इसमें होता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, एज कम्पेयर टू हार्डवेयर। हार्डवेयर इज नॉट फ्लेक्सिबल, सॉफ्टवेयर इज। सो ये चार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।